तेरी बहन कम से कम 4 साल बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके लॉटरी यार डॉक्टर बन के लॉटरी में तो देखूंगी वो मैं और उसमें कैसी लगती है मेरी बहन डॉक्टर बन के कैसी लगती है। हे भगवान तूने वैसे मेरी मनोकामना बहुत जल्दी ही सुन ली, मेरी मेहनत फल लाई, जो मेरी बहन आज डॉक्टर बन के घर पे लौट रही है उसका स्वागत कैसे करूं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दीदी गुड़िया तू आ गई, गुड़िया तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। लात तो थक गई होगी ना, तेरी पसंद का मैंने बहुत बहुत एक मिनट रुक गया, मैं सोच रही थी आरती उतार लूं तेरी। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लग रही हैं। अरे कैसी बात करती है तू, मैं तो ठीक हूँ, इतने दिनों में डॉक्टर बन के लौटी है और मैं तेरा स्वागत भी ना करूँ। रुक जा मैं आरती की थाली। कुछ मत करिए आप, और चलिए अरे कुछ तो करने दे, मैं आरती तो उतारने दे, टीका तो करने दे। चल तेरे अंदर आरती उतारती हूँ, चल तेरा टीका करती हूँ। तेरे लिए मैंने खीर भी बनाई थी, आलू पराठे कैसे लगे तुझे? अच्छे लगे ना? मेरे आरती हमेशा से अच्छी लगती है। और हाँ जब तू सोएगी ना तो तुझे दूध दूंगी ताकि तेरी थकावट दूर हो जाए। तो सफर इतना लंबा सफर तय करके आई हो, और हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, हल्दी वाला दूध तू पीती नहीं है ना, अब पीना पड़ेगा बता रही हूँ। बहुत हल्दी वाला दूध नहीं पीऊंगी, पीना पड़ेगा बता रही हूँ। मैं अपनी नहीं चलाएगी तो हर बात में कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगी, ठीक है ना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी तुझसे। अच्छा ठीक है पी लूंगी, अब नाराज हो बस। मुझे तेरी छोटी सी जो मुस्कुराहट है इतनी खूबसूरत है। बोल। अच्छा तू बोल, चल ठीक है मैं चुप हूँ। अब मुझे ही मेरी ही चिंता होगी कि आप अपनी भी कुछ बताएंगी मुझे। मैं तो तुझे ही देख के जी गई हूँ, और तुझे से मेरी जिंदगी खत्म होती है बुढ़िया, और तुझे पा के खत्म हो जाती है। आपने दीदी कभी मुझे बताया नहीं कि आप अकेली मेरे बाद यहाँ क्या करती रहती हैं। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, टिकरा बहुत हो गई है, चल सोने चलते हैं ना, आप तो थक भी गई होगी ना, क्या हो तुझे? और क्या नहीं हो सकता, क्या हुआ गुड़िया, क्या हुआ? तू ऐसे टहलते टहलते तुझे अचानक से क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? बंद करो ये तमाशा। भैया इतने दिनों तक आपने मुझे बताया नहीं, आप क्या करते हो? क्या कैसे मुझे पढ़ाया, कैसे मुझे लिखाया, क्यों कैसे मुझे इतना बड़ा डॉक्टर बना लिया आपने? आखिर तुम करती क्या हो मुझे आज बता के दीजिए आप। आखिर करती क्या हो, क्या काम करती हो आप? गुड़िया बस कर, ये मत जान के मैं क्या करती हूँ। क्यों ना जानू मैं, हैं? क्यों ना जानू मैं? तू अभी बच्ची है, तू एक बच्ची हूँ तो क्या हुआ? तूने अपनी मैं इज्जत से जीती हूँ, और इज्जत ही मुझे पसंद है, मुझे सब पता है आप ये क्या करती हो। और वो चौधरी क्यों आता है घर पे, मैं सब जानती हूँ। बस कर छोटी बस कर। आपने चौधरी से पैसे लिए और चौधरी के साथ आप, छी घिन आती है मुझे आपसे, गिराती मुझे इस सब पढ़ाई से लिखाई से इस पैसे से जो आपने इतनी इतनी गंदी पैसे से मुझे पढ़ाया। छोटी तू नफरत होती है मुझे आपसे। छोटी तू मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुनने की समझने की कोशिश कर, मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। नहीं, और आप शहर में करने क्या जाती हैं, क्या करने जाती हैं आप शहर में? मुझे सब पता चल गया है, मुझे सब पता चल गया है कि आप कैसे काम करती है। छोटी बस कर बस कर बस कर, प्लीज नहीं रहना चाहिए। मेरी बात तो सुन, मैं तुझे सारी बात बताऊंगी, लेकिन इस तरीके से मुझसे नाराज मत हो। मुझे सब पता चल गया दीदी, मुझे सब पता चल गया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा गांव बता रहा है। और वो लाला छोटी मुझे नहीं सुनना, छोटी मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, और मैं अभी अभी की अभी शहर जा रही हूँ। तू चली गई तो मैं शहर खा लूंगी। छोटी प्लीज मुझे कोई परवाह नहीं है दी आपकी जान की। छोटी 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 अगर तू मुझे छोड़ के चली गई तो फिर मैं कैसे जी पाऊंगी, मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा, अब मैं जी नहीं सकती।
क्योंकि जब मेरी छोटी मुझसे नाराज हो गई तो मैं क्या करूंगी इस घर में और इस संसार में रह के? मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। अरे जमुना, क्या हुआ? क्यों भागे जा रही हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। जमुना, मेरी बात सुनो। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या बात है? अब क्या बताऊं तुम्हें कि क्या हुआ? अरे जमुना, हुआ क्यों? क्यों भाग रही हो? क्या क्यों रो रही हो? क्या बात है जमुना? तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे बनाई हुई कढ़ाई जो है पूरे बम्बई में छा गई है। अरे मैं तो ऑर्डर लेके आया था तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए इतने ऑर्डर लाया, पता है क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अब वो मेरे किसी काम की नहीं। क्या मतलब? जिस बहन के लिए मैंने सारी जिंदगी अर्पण कर दी, आज उसी ने मुझ पे इल्जाम लगा के वो मुझे छोड़ के चली गई। जमुना, मेरी बात सुनो। मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम अपनी बहन को अपने काम के बारे में मत बताना, ताकि उसकी पढ़ाई पे कोई असर ना पहुंचे। लेकिन हुआ क्या, बात तो बताओ। पता नहीं गांव के लोगों ने उसे भड़का दिया है कि तेरी बहन शहर जाती है और ये धंधा करती है, हमारे साथ ये करती है, हमारे साथ वो करती है, मैं क्या करूं? छोटी मुझे छोड़ के चली गई शहर वापस। छोड़ के चली गई? और वो मुझे गलत समझती है, सोचती है कि मैं गलत काम, हराम की कमाई से उसकी पढ़ाई, उसे डॉक्टर बनाया है मैंने। मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी बात सुनो, तुम देवी हो जमुना, ये बताओ बुढ़िया किधर गई है? अभी कुछ वक्त नहीं हुआ, चलो मेरे साथ। मुझे लगता है स्टेशन पे होगी, मैं नहीं जा सकती उसके साथ। जमुना मेरी बात सुनो प्लीज, मैं नहीं जा सकती, मुझे मत। जमुना बात सुनो, अगर गुड़िया के दिमाग में अगर तुम्हारे नाम का जो शक पैदा जो हुआ ना, वो जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा। अगर तुम उसके अब उसकी नजरों के सामने मैं नहीं जा सकती। मुझे तो उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी जिंदगी में यही सब लिखा। जमुना कुछ नहीं किया तुमने, जमुना कुछ नहीं बिगाड़ने लगी अपने आप से। विजय मैं, मुझे क्यों रोक रहे हो मरने से? मुझे जाने दो। जमुना एक बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, विजय मैं नहीं जी सकती इस दुनिया में। जमुना, जमुना मेरी बात सुनो, देखो जमुना, अगर अगर गुड़िया को ये सब पता चल गया है तो उसका गुड़िया का शक भी मैं ही निकालूंगा। चलो मेरे साथ, इससे पहले देर हो जाए। चलो जमुना, वो जा रही है, तुम एक काम करो, तुम ये रहो, मैं जाता हूँ, मैं रोकता हूँ उसको। गुड़िया, गुड़िया बात सुनो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं जा रही मैं। गुड़िया इधर देखो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं शहर जा रही हूँ, जहाँ से मैं आई थी मैं वहीं जा रही हूँ। मुझे पता है तुम क्यों जा रही हो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में जो शक बैठा हुआ ना, उस शक की वजह से जानती हो तुम अपनी दीदी के साथ तुम क्या कर रही हो? अरे कभी सोचा उसके बारे में? अरे तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया, तुम्हें डॉक्टर बनाया अपनी माँ के सपने, अरे कभी सोचा उसके बारे में? अरे रातों दिन मेहनत करती रही वो, रातों दिन, और तुम्हारे दिमाग में इतना बड़ा शक बैठ गया कि शहर में जाके क्या करती है, चौधरी के जाएगा कि क्या करती है? गुड़िया मुझे शर्म आती है तुम जैसी बहन को बहन कहना। लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, देखो गुड़िया बात सुन, तुम यही तुम्हारे दिमाग में यही बैठा हुआ ना कि वो तुम्हारी बहन शहर में क्यों जाती है, तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि उसने चौधरी से पैसे क्यों लिए। मैं बता दूं, मैं मेरी वजह से आती थी वो शहर में। अरे तुम्हारी बहन ने जो है सिलाई कर करके, कढ़ाई कर करके तुम्हें इतना बड़ा बनाया, वो तो मैंने उससे कसम दे रखी थी कि तुम ये सब मत करना, तुम अपनी बहन को मत बताना, क्योंकि तुम्हारे काम की वजह से तुम्हारी बहन की पढ़ाई रुक जाएगी। वो मना करने लगेगी, वो तुम्हारे साथ काम करने लगेगी, घिन आने लगी इन सब बातों को। जानती हो तुम्हारी बहन को मैंने कितनी बार प्रपोज किया, कितनी बार उससे बोला कि मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी वजह से उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया ताकि तुम्हारी जिंदगी ना बिगड़ जाए। पर आज तुमने अपनी बहन के आगे ये सब भैया तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कर दिया वो गुल्लू भैया? और वो तुम उनके बारे में बात करती हो, उन गांव वालों के बारे में बात करती हो? अरे उन गांव वालों ने तो पूरी जिंदगी में वो लाला गुल्लू वो चौधरी पता कितनी गांव की कितनी औरतों की जिंदगी खराब करी उन लोगों ने। अरे तुम्हारी बहन के बारे मेरे और मेरे बारे में कितना उड़ाया भैया। मुझे माफ कर दो, मेरी दीदी को प्लीज मेरे बुबू के पास ले चलो, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैंने उनको कितना बुरा भला कह दिया, मुझे माफ कर दो विजय भैया, मुझे दीदी के पास जाना है। बुढ़िया अगर बच्चे गलती करते हैं तो बड़े उनको माफ कर देते हैं। चलो आओ मेरे साथ। जमुना, जमुना, जमुना देखो दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा। विजय भैया ने मुझे बताया, मुझे दीदी मुझे वो गांव के गुल्लू भैया और उन्होंने मुझे बोला
आपके बारे में। बस माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना बुरा भला आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरे दिल को सुकून नहीं होगा, मुझे माफ कर। मैंने तो तुझे कुछ कहा ही नहीं, झूठी जैसी तुझे क्या कुछ नहीं बोला। मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ, तो मेरी जान है और अपने दिल को कोई अपनी सीढ़ी से कोई जुदा कर सकता है? आप ध्यानी हो देवी, शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए तो, और तू तो मेरी आत्मा थी, और अगर तू मेरे शरीर से अलग मुझसे दूर हो जाती तो मैं तो दीदी, लेकिन वो लाश गांव वाले लोग बहुत गंदे हैं, आप यहाँ नहीं रहेंगी, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी आपको, कितने गंदे लोग हैं, कितना बुरा बोला मेरी देवी जैसी दीदी के बारे में उन लोगों ने। कभी जब मैंने तुमसे कहा था ना, ये बहुत कोमी थी, बहुत ही जो काम तुम और मैं नहीं कर सके, अरे इतने साल से हम एक दूसरे से प्यार करते रहे, हमें बड़ी हो गई हूँ ना इसलिए। हाँ, लेकिन एक बात सुन लो गुड़िया, आज हमारी शादी हुई है, एक दिन तुम्हारी भी शादी करेंगे। मुझे नहीं जाना, मुझे दीदी को छोड़ के नहीं जाना। लो दीदी को छोड़ के नहीं जाना, पता है अब तो हम तुम्हारे जीजा भी हो गए।